बार बार पिछले 8-10 वर्ष से ये हम पर ताना लगाया जाता था। मैंने बहुत बार जगह जाकर के इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि साहब आप वाजपेयी जी की पॉलिसी पर क्यों नहीं चलते, वो तो कितने बढ़िया आदमी थे, वो कहते थे जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, अलगाववादी नेता जो कि पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। आपने सुना होगा आए दिन हमें ये ताना लगाते कि साहब वाजपेयी जी तो अच्छे थे आप नहीं। मैंने वहाँ पर भी जाकर के कहा श्रीनगर में, और बार बार ये कहने की आवश्यकता है कि वाजपेयी जी ने कभी भी कश्मीर में 370 अनुच्छेद रहे या उसका स्पेशल स्टेटस हो इसका अनुमोदन नहीं किया। वाजपेयी नेवर अप्रूव्ड ऑफ स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू कश्मीर, कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहा है, लेकिन चूंकि हमने इस बात का उत्तर नहीं दिया और इन्होंने एक नैरेटिव बनाया और वही नैरेटिव इस देश में बुद्धिजीवियों ने बनाया कि साहब वाजपेयी पॉलिसी पे ही चलिए। और वाजपेयी जी की क्या पॉलिसी थी? यदि वो कहते थे जमहूरियत तो जमहूरियत तो अब आएगी ना जब अनुच्छेद 370 हटेगा, वरना 25, 30, 40 वर्ष तक दो एक पार्टियां एक बंद वातावरण में चुनाव करवाएं, 8-10% वोटर टर्नआउट हो, वो लोकसभा के भी सदस्य बन जाएं, विधानसभा के भी सदस्य बन जाएं, अपनी सरकारें भी बन लें, तो ये कुछ जमहूरियत है क्या? वाजपेयी जी कहते थे कश्मीरियत, तो कश्मीरियत इज ए कॉम्पोजिट कॉन्सेप्ट, मजमुई कल्चर जैसे कहते हैं उर्दू, तो जब कश्मीरी पंडित बाहर हो गया तो कश्मीरियत कहाँ से रही? और फिर कहा जाता है इंसानियत, इंसानियत का अर्थ ये तो नहीं है ना कि पड़ोसी को कह दो कि अपने बच्चे को आप पत्थरबाज बना दो और वो जिहाद के नाम पर मौत की बलि चढ़ जाए।